प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, आज की साखी एक बहुत ही ज्ञानवर्धक ऐसी साखी है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। आओ संत महात्माओं, एक महात्मा जो कि सदगुरु में पूर्ण विश्वास किया करते थे, निरंकार में पूर्ण विश्वास किया करते थे। आओ प्यारी सास संगत जी, जिस प्रकार से अब समालखा का समागम आने वाला है, ठीक इसी प्रकार से जो समागम का समय आ गया और संत महात्मा की फसल जो थी वो गेहूं की वो फसल तैयार थी। आओ प्यारी सास संगत जी, वो कुछ महात्माओं से कह रहा था कि भाई हमारी फसल तो पक गई, लेकिन सदगुरु की कृपा से सारे काम हो जाएंगे निरंकार की कृपा से, लेकिन मुझे सत्संग जरूर करना है क्योंकि मेरे पास बुलावा सदगुरु का आया है। आओ प्यारी सास संगत जी, वो व्यक्ति बोले भाई सत्संग करेगा लेकिन तेरी फसल यदि किसी ने चोर ने काट ली, चोरों ने, तो फिर क्या होगा, खटी कटाई। बोले जो भी हो सब निरंकार दतार करेगा, सब कुछ करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंगशंग तुझको देख के दास करे अरदास, अरे तू साहो का सहनसा मैं दासो का दास। आओ प्यारी सास संगत जी, ऐसी भावना महात्मा की, बोले जो हो जा वो हो जाएगा, जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन मेरा सदगुरु बड़ा दयालु है, निरंकार पे मेरा पूर्ण विश्वास है। प्यारी सास संगत जी, महात्मा ने बहन जी से कहा कि मुझे कुछ खाना बना दीजिए ताकि रास्ते में मैं उसका सेवन कर सकूं, और वो चल दिए। बच्चों से कहा कि मैं 5-6 दिन के टूर पे, यानी मैं समागम करने के लिए जा रहा हूँ। आओ प्यारी सास संगत जी, ध्यान रखना, लेकिन जाने से पहले सिमरन घर पे करके गया, हे सतगुरु सच्चे पातशाह, हे त्रिकालदर्शी निरंकार शक्ति, आप शाश्वत सत्य हो, आप कृपा करना जी। आओ प्यारी सास संगत जी, होता क्या, जैसे वो महात्मा गया और जैसे ही उसके बस्तीदारों ने मोहल्ले वालों ने वो बात देखी जो कि यानी विश्वासी नहीं थे, जो कि कह रहे थे भाई तेरी फसल का क्या होगा, उन्होंने यानी मीटिंग बनाई कि वो तो चला गया भाई, अब रामलाल तो चले गए, अब ऐसा कर उनकी फसल पे जा करके वो दरांत लेकर के रात में बैठ के। उधर निरंकार शक्ति परम जो स्वरूप परमात्मा यानी जो कण कण में व्याप्त प्रभु ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, सत्संग के ऊपर धप्पा लग जाएगा, मेरे ऊपर उंगली उठ जाएगी। आओ प्यारी सत्संग जी, किसान का वेश धारण करके बोला, अरे भैया ऐसा करना, आप ये काट तो रहे हो लेकिन ऐसा करना, मैं आपको कटाई के पैसे दूंगा, आप चोरी से ना काटो, आप इतनी मेहनत मारोगे चोरी से काटोगे जायज नहीं होगा, तो ऐसा करना मैं आपको कटाई के पैसे दूंगा, आप काट दें। आओ प्यारी सास संगत जी, उन्होंने वो एग्री हो गए, उन्होंने फसल काट दी। बोले ऐसा करो भाई निकलवा भी दो। अब उन्होंने जो है वो गेहूँ निकलवा भी दिए संत महात्मा। बोले और मैं भाई 1,000 रुपये आपको और दूंगा, ये मेरा जो है ना भूस जो है ये घर पे भी अगर पहुँचा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। उधर बच्चे बड़े आश्चर्यचकित थे कि अभी तो पिताजी को मुश्किल से 1-2 दिन हुए हैं और 2 दिन में ही ये पिताजी आ गए सेम, क्योंकि निरंकार को कोई भी चीज़ असंभव नहीं है संत महात्मा। वो उस महात्मा का रूप धारण करके निरंकार शक्ति प्रकट होकर के सारे काम करा रही है। आओ प्यारी सास संगत जी, महात्मा जी के गेहूँ कट गए, महात्मा जी के गेहूँ निकल गए, और महात्मा जी के गेहूँ निकलने के बाद भूस भी ढुल करके घर पहुँच गया। उधर प्यारी सास संगत जी, उधर वो सतगुरु का प्रेमी, निरंकार का प्रेमी, निरंकार का मस्ताना उधर सत्संग में सेवा कर रहा है, इधर निरंकार यानी सारे काम कर रहा है। आओ प्यारी सास संगत जी, कहते ना जिथे जिथे मेरा यानी जो मेरा अनुयायी जो मेरा भगत पैर रखता है उधर मैं हथेली रख देता हूँ। आओ प्यारी सास संगत जी, ऐसा विश्वास हमें भी अपने जीवन में बनाना है। तो होता क्या है संत महात्माओं, जब वो महात्मा रिटर्न होता है सत्संग से, और सत्संग से वापस आन करके देखता है तो बच्चों से कहता है, अरे बेटा बड़ी शाबाशी देता, बड़ी कृपा करी, अरे आप इतने मासूम बच्चों ने गेहूं उठा करके रख दिया, आपने तो यानी सारा कुछ कर लिया, बड़ी दतार की कृपा, धन्यवाद भेजता। तो वो कहते हैं, अरे पापा मजाक क्यों बना रहे हो, हम तो इतने छोटे हैं कि हमसे कहाँ उठ जाएंगे, आप ही तो ये करके गए थे, आपने तो उठाए थे, आप ही तो जल्दी आ गए थे। आओ प्यारी सास संगा जी, अब ये भक्त ने सोचा, अरे दतार तू बड़ा सच्चा है, मेरे प्रभु तूने बड़ी कृपा की है, उन्होंने बताया कि मैं तो सत्संग में था, मैं तो अभी वापस आ रहा हूँ। आओ प्यारी सास संगा जी, तो करना क्या है, ये दतार हमारे सारे काम करने वाला होता है, यदि हमने इसको अपनी सारी बागडोर इसके हाथों में सौंप दी तब, लेकिन हम यदि कामना की, इच्छाओं की, तृष्णाओं की यानी बागडोर अपने गठरी अपने सर पे बांधे फिरते हैं संत महात्माओं, तो प्यारी सास संगत जी फिर तो हमें बोझा लगने वाला है, हर हाल में फिर तो हम पिसने वाले हैं। लेकिन आओ संत महात्माओं, इस प्रकार से संत महात्मा की तरह यदि हम सब कुछ अपना सदगुरु पे सौंप देते हैं कि हे सदगुरु करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, और तू साहो का सहनसा प्रभु मैं दासों का दास,
यदि इस प्रकार की हमारी भावना बन जाती है, अपने आप को दासों का दास गिनने लगते हैं और जो भी ये निरंकार करता है हमें मीठा लगता है, हमें अच्छा लगता है और हम इतने विश्वासी बन जाते हैं कि जो भी काम करते हैं हम सिमरण का सहारा लेते हैं। जिस काम में भी करते हैं हम शुरुआत करते हैं, यानी भक्ति करें, अपने घर के इत्यादि काम करें, आओ प्यारी सत्संग जी, दुनिया के सारे काम करते हुए भी हम दातार को ना भुलाएं, क्योंकि दांतों में फंस करके दातार ना भुला देना, अरे ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने कृपा की, मनुष्य जामा हमें प्राप्त हो गया, अब दांतें यानी इन उलझनों में फंस करके इन मायावी पदार्थों में कहीं महल माड़ियाँ हैं, कहीं शरीर की सुंदरता में फंस गए, आओ प्यारी सास संगत जी, कहीं माया की चकाचौंध में फंस गए, कहीं ज्ञान की उलझन में अटक गए कि मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं है, मुझसे बड़ा विज्ञानी नहीं है। तो ये सारे बंधन हैं और ये सारे बंधन हमें रोकते हैं, हमें बांधते हैं सत्य पे आगे बढ़ने से। तो प्यारी सास संगत जी, इस प्रकार के अवरोधों को अपने जीवन से हमें हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है और सतगुरु का जय जयकार करते हुए जीवन को यापन करना है। हर हाल में सतगुरु कहा करते थे, अरे दाल पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूँ, और मैं हर हाल में खुश हूँ और आने वाले साल के इंतजार में खुश हूँ, और जो बीत गया है पल उसकी याद में खुश हूँ। आओ प्यारी साथ संगत जी, इस प्रकार से हमें अपना जीवन यापन करना है, जिस प्रकार से हमारे सतगुरु हमें चाहते हैं उस प्रकार से हमें बनते चला जाना है। और सभी मिलकर के संत महात्माओं परम प्यार से बोलेंगे धन्य।